सेमेस्टर का भैया 599 रुपए वाला वो ऑफर चल रहा है, दिन के बाद वो ऑफर कम्प्लीट हो जाएगा। तो प्लीज चाहिए इस नंबर से कांटेक्ट करके जैसा सेमेस्टर को ज्वाइन कीजिए और अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना कीजिए। चलिए तो चलते हैं बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हम बार बनाते हैं, जो भी हमारा फाइल सीट है उस फाइल सीट पे ड्राइंग बनाते हैं, फाइल सीट पे ड्राइंग बनाते हैं उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे आज। तो आज की हेडिंग है हमारी, आज का हेडिंग है, आज का हेडिंग है उसके फाइल को कैसे ड्राइंग शीट का ड्राइंग बोर्ड पड़ा था, कल ड्राइंग बोर्ड पड़ा था, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को कैसे लगाना है, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड ऐसे होता है, ड्राइंग शीट लाएंगे और उसके लेफ्ट साइड तो क्या करेंगे, एक सिल्वर टेप से दबा देंगे ताकि हमारा कागज इधर उधर का ना हो, ताकि जो भी हम ड्राइंग का मेजरिंग करें वो सही दिशा में जाए, ठीक है। तो एक बात तो चीज हो गई कि हमें कैसे टेप करना है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगा देना है ड्राइंग शीट को, और लेफ्ट साइड क्या करना है उसे चिपका देना है या सिलो के पिन से उसे दबा देना है ताकि हमें ड्राइंग खुले ना या मेजरिंग के दौरान जो भी मार्क लेंथ लिखे वो इधर उधर ना हो, गलतियां ना हो, त्रुटि कम आए, त्रुटि कम आए, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया है कि हमारा रेडी तो बन पाएगा नहीं मेरे बच्चों, ये हमारा गोल होता है ऐसा ही कुछ, हमारा गोल होगा ये गोल होगा ना, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे अपना ड्राइंग शीट, इसके हम अपना ड्राइंग शीट ला के ऐसे लगा देंगे, ड्राइंग शीट को ऐसे लगाएंगे और लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड होना अगर ऐसे बना रहे तो, और यहीं पे एक पिन क्या करेंगे, पिन से स्टेप कर देंगे ताकि ये उड़े ना, इधर उधर ना हो, ताकि हम जो भी मीटर मैंने स्केलिंग करे वो सही आए। तो हमारे पॉइंट क्लियर हो गया, अब चलते हैं मेरे बच्चों, अब चलते हैं इसकी विधि क्या है, लेआउट ड्रा करने की विधि क्या है, लेआउट ड्रा करने की हमारी विधि क्या है, मेथड क्या है। तो लेआउट कैसे ड्रा किया जाता है बड़े ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने, पहले तो हम बोर्ड बना लेते हैं, ये हमारी फाइल होगी, ये हमारा फाइल हो गया मतलब ड्राइंग शीट हो गई, ये हमारी ड्राइंग शीट हो गई। अब ड्राइंग शीट पर तो जान होकर बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, मार्जिन या बॉर्डर लाइन, मार्जिन करेंगे या बॉर्डर लाइन, दोनों एक ही होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हाशिया या आलेखन, ठीक है, हाशिया या सीमा रेखा खींचना, जो हमारा ड्राइंग शीट होगा ये बोर्ड व्हाइट कलर का होगा, इतना बड़ा पेज होता है, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है बाबू। क्या करेंगे इसमें हाशिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिन या बॉर्डर लाइन खींच लेते हैं, वो खींचते कैसे हैं ये आपको सोचना और जानना है। क्या करेंगे, ये हमारा कौन साइड होगा, अगर हम ऐसे रहते हैं, अगर हम ऐसे हैं तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट, हमारा लेफ्ट से, और ऐसे हो गया तो राइट हो गया, तो राइट से हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 एमएम, राइट से 5 एमएम, टॉप से 5 एमएम,
बॉटम से 5 mm, बॉटम से 5 mm, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है अभी क्लियर हो जाएगा, 5 mm। अभी मेरे बच्चे कहेंगे सर आपने इसे मिलाया कि नहीं, इधर मिलाएगा नहीं, इधर से 5 सेंटीमीटर, इधर से सॉरी 5 mm, 5 mm, इधर से 5, लेफ्ट से 5, टॉप बॉटम, और इधर से अपने लेफ्ट साइड से राइट को पास किया, लेफ्ट साइड से 20 mm छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड से 20 mm छोड़ देंगे, हाँ लेफ्ट साइड में 20 mm छोड़ दिया, अभी कितना है 20 mm, ये हमारा ड्राइंग शीट हो गया। ड्राइंग शीट पे पेन लेंगे, मतलब पेंसिल से एक मार्जिन लाइन या वाटर लाइन खींच देंगे, जो हमारा लेफ्ट से 20 mm से होगा, राइट से 5 mm होगा, नीचे से 5 और टॉप से 5, इस तरीके का मार्जिन लाइन लिख देते हैं। अब हम जो भी काम करेंगे, जो भी ड्राइंग स्केच करेंगे, इसी के अंदर हम स्केच करेंगे, जो भी स्केच करना हो, जिस चीज का भी डायग्राम हो, जिसका स्ट्रक्चर का हो गया, पाइप का हो गया, अभी हम इंटरेस्टिंग बताते हैं आप लिए, आपको हम डिटो एकदम जीतल या बीएनडार कंपनी का एक ड्राइंग शीट दिखाएंगे, जिसको लेके सॉरी जिसको कंपनी में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसकी ड्राइंग की मदद से कैसे कॉलम बनाए जाते हैं, कैसे स्ट्रिप बनाए जाते हैं, कैसे बीम बनाए जाते हैं, वो सब चीजें आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो प्लीज पहले ये चीजें हम क्लियर कर लें, आएगा समझ में, अब ये सब चीज आपको दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे 20 mm का, 5 mm का, ये भी दिखाएंगे, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। प्लीज बने रहिएगा अगला सेमेस्टर के साथ और हमारे साथ। चलिए ये हो गया 20 mm, ये हमारा मार्जिन लाइन हमने खींच लिया, जिसको हिंदी में मार्जिन लाइन में हम क्या कहते हैं, हाशिए, ठीक है, या बॉर्डर लाइन, हाशिए या सीमा लाइन, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए बेहतरीन तरीके के साथ। अब आते हैं यहीं पे अपने लेफ्ट साइड, यहीं पे अपने ये कलर दिखाते हैं, यहीं पे अपना एक लेफ्ट साइड टाइगर को टाइटल बॉक्स खींचते हैं, अपने राइट साइड के नीचे बॉटम पे टाइटल बॉक्स खींचते हैं। अब ये टाइटल बॉक्स में कैसे खींचा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मेंशन रहता है, अब उस चीज को मेंशन करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इस लेक्चर को बहुत ही बेहतरीन और डिसिप्लिन के साथ देखिएगा, ये भी पॉइंट इधर उधर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मिसकीम कर देंगे, तो मिसकीम नहीं करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से देखना है। ये जो हमारा टाइगर बॉक्स है, ठीक है बाबू, टाइगर बॉक्स, इस टाइगर बॉक्स में क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो चीज अब हमको देखनी है, तो इसे हम रफ करें और यही मैं आपको बना के दिखाते हैं कि टाइगर बॉक्स बनाना कैसे है, और बनाने के बाद आपको एक एक चीज जब हम फिट अप करा लेंगे तब आपको दिखाएंगे, बच्चे देखिए फैक्ट्री में या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किस तरीके का स्ट्रक्चर बना कर उनको किस तरह का स्ट्रक्चर बना के इंजीनियर उनके काम कराता है, अपने कारीगरों से, ड्राफ्टमैन से, ठीक है, तो खुश है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हंसिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए हम लोग पता चल गया मार्जिन की लाइन, जब हमें ये पता चल गया भैया मार्जिन की लाइन यही खींच दे, इसी को टाइटल बॉक्स को कहते हैं भैया, टाइटल ब्लॉक कहिए, टाइटल बॉक्स कहिए, इसी को इसको क्या कहेंगे, शीर्षकच, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षकच, इसको टाइटल ब्लॉक कहिए या टाइटल बॉक्स कहिए, हम यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। तो प्लीज जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ।
इसमें लाइन खींचने वाले हैं कोई नहीं है, लाइन खींचने वाला है क्योंकि लाइन हमें खींचना सख्त जरूरी है। ठीक है, अब हम लाइन लेते हैं मेरे बच्चों। ये हम टाइटल बॉक्स बना रहे हैं, ये हमारा टाइटल बॉक्स है। ठीक है, ये थोड़ा पावर साइड हो गया है तो प्लीज इसे आप इग्नोर कीजिएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा एक बॉक्स हो गया, टाइटल बॉक्स हो गया। अब इस टाइटल बॉक्स का लेंथ और चौड़ाई क्या रखते हैं, टाइटल बॉक्स के साइज क्या रखते हैं, तो वो पहले लिखें तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखते हैं, साइज, साइज क्या होना है टाइटल बॉक्स का, 185 × 65 mm। ठीक है ना बच्चों को, जो टाइटल बॉक्स होगा 185 mm और 65 mm, 185 mm और 165 mm होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, नीचे से बॉटम से 20 mm, 20 mm ऊपर चलते हैं तो लाइन खींचते हैं। लेफ्ट साइड करते हैं, चलिए तो 20 mm, तो हमने 20 mm, ये रहा हमारा, ये हमने 20 mm खींच लिया, 20 mm हमने खींच लिया। ऊपर से 10 mm, तो ऊपर से 10 mm खींच लेते हैं। ऊपर से हमने ये 10 mm खींच लिया, ऊपर से हमने ये 10 mm खींच लिया, चाहे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब सही है, छोटा हो गया था। हाँ, अब ये 10 mm दिख रहा है, इसका आधा दिख रहा है, 10 mm कीजिए। अभी सभी हम मान लेते हैं कि बिल्कुल आप घबराइए, इसको बनाना कैसे, पहले वो तरकीब आपको सीखनी है। हमने 20 खींच लिया, 10 खींच लिया, अब इधर से अपने जिधर से बना रहे हैं राइट से 55, कितना 55 mm, 55 mm यहाँ तक आएगा और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये खींच लिया, ये हमारा टोटल 65 है, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना बचा, ये 10 हो गया, ये 20, 30, 35 बचा, तो 7 mm का इसके अंदर 5 खींच लेते हैं, 7 mm का, तो हमारा हो जाएगा 1। हाँ, एक, दो, तीन, सॉरी ये बड़ी हो जा रही थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। दिख रहा है, ये 20, ये 10, ये 58। हाँ, बस आपको हमें बताना है
ये बनता कैसे, अब ये साथ साथ है इनका, एक दो तीन पांच, एक दो तीन चार पांच बन गया बच्चों, पांच बन गया। अब इधर से हमारा दस, इधर से हमारा दस, हमने आप इधर से लिया दस, अब पच्चीस, अब पच्चीस ले लिया, खींच लिया इधर से हमारा दस, इसके बाद पच्चीस, इसके बाद बीस, तभी तो हमारा टोटल हो जाएगा पचपन। अब लाते हैं यहां से कितना, पच्चीस, पच्चीस, ये हमारा टोटल टाइटल बॉक्स बन के तैयार हो गया, टोटल टाइटल बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब हम मान लिख देते हैं यूनिट का मान क्या है, तो लिख दिया जाए, लिख दिया जाए बच्चों, चलिए तो लिख देते हैं, ये हमारा टोटल क्या था, टोटल था 185 एमएम, टोटल क्या था हमारा 185, ये गलत हो गया है, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, 185 एमएम था, जिसमें ये हमारा क्या था भाई, 55, क्या था 55 एमएम, ये 55 था। अब ये 25, ये है 25, जब ये 25 है वो 55 है, तो बीच का कितना बचा लिया 105, सब चीजें बताते चला जाएगा, एक ही चीज छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये हमारा चौड़ाई कितना है 65 एमएम, ठीक है 65 एमएम। अब हमने ये कहा था कि जो ये हमारा साइज होगा ये वाला कितना होगा 20 एमएम, कितना है 20 एमएम, ये ऊपर से कितना है, ऊपर से कितना है, ऊपर से कितना है बच्चों 10 एमएम, 10 एमएम, इधर से आते हैं 10, इसके बाद 25 और इसके बाद 20, 10 25 20, तभी तो 55 होगा, जो भी देखिए 45 10 55, 55 हो गया भैया। अब ये हमारा अंतिम, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों को, जितने यूनिट है सब एमएम में है, आर डायमेंशन या चाहे तो हम लिख देते हैं आर डायमेंशन इन एमएम, सारे डायमेंशन क्या है एमएम में है, हिंदी में भी लिखे सारे माप एमएम में है, एमएम में है। अब लिखिए क्या है, लिखना क्या होता है, सबसे जबरदस्त चीज वही है, वही चीज को सीखना है मेरे बच्चों को। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना क्या होता है, इसमें तो पहले लिखेंगे नेम, ब्लैक कलर, इसमें लिखेंगे नेम, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों नेम, इसमें लिखेंगे डेट, इसमें लिखेंगे डेट। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखेंगे डिजाइन, क्या लिखेंगे डिजाइन, इसमें क्या लिखेंगे डिजाइन के बाद ड्रॉ, सब अब हम लिख लेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा, डिजाइन ड्रॉ, उसके बाद चेक, चेक लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है बच्चों ड्राइंग या आ
स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड। और आखिरी हमारा पॉइंट क्या होता है भैया, अप्रूव, ध्यान दे देते हैं। अभी हम इसको प्रूव लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से ताकि आप और एक चीज क्लियर हो जाता है। अब यहाँ आगे हमने क्या लिखा, ड्रॉइंग या डिजाइन, ड्रॉ, चेक, स्टैंडर्ड, अप्रूव। अभी आप हिंदी में मिल मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ लिखा रहता है भैया ड्राइंग नंबर, यहाँ लिखा रहता है ड्राइंग नंबर, यहाँ जो आपने बना रहे हैं उसका टाइटिल, क्या लिखा रहता है टाइटिल, और यहाँ पे जो लिखा रहता है भैया स्केल, क्या लिखा रहता है स्केल, जो मान माप के दौरान लिखा रहता है, मैं आपको स्केल करके बताया था ना, स्केल मात्रक वाला मेट्रिक स्केल, याद आ रहा है कि नहीं, कहा था आपको 1:200, 1:300, 1:500, याद आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल याद आ रहा है बच्चों को, ये हो गया। और यहाँ पे हमें क्या लिखना रहता है, यहाँ पे जो भी काम कर रहे इंस्टीट्यूट का, जिस भी इंस्टीट्यूट जो भी स्ट्रक्चर बनाना रहता है, यहाँ पे बना रहता है उसका स्पेस डायग्राम, लिख दे, मान लीजिए दूसरा सेमेस्टर का रेशवा एकेडमी का, ठीक है, ब्रांच रेशवा एकेडमी का ब्रांच का हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर उसका वो डिजाइन बना रखेगा, ये होता है। और इसी को कहा जाता है टाइटल बॉक्स। ये रहा टाइटल बॉक्स के बारे में, आप कैसे बनाना है, कैसे जानना है, इसको कैसे लिखना है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्राइंग शीट होता है उसके राइट के बिलो राइट पे इससे बनाते हैं इस तरीके की, इसको अब जो भी बनाना है हमारा इस वाले एरिया में बनाते हैं। अब आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं जिसको आपको बेहतरीन और बहुत तरीके क्या कहते हैं एक्साइटमेंट है आप उस चीज को जानने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो चले फिर से, ये हमारा डायग्राम है, इनके साइज का रेशियो क्या होता है 185:65, और ये हमारा होता है इधर से 55, इधर से 5, इधर से 25, इधर से 20, 25, 10, 10, और ये हमें जो लिखना है भूल गया भैया, यहाँ लिख देते हैं इस तरह से लिख दिया जाए, ये हमारे साथ साथ है, साथ सात सात और ये सात, ठीक है, सारे सात सात एमएम है, जितने भी डायमेंशन है सब एमएम में है बच्चों, जितने भी डायमेंशन है सब एमएम में है, क्लियर है। हाँ, तो आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम मार्केट टाइटल बॉक्स कैसे डिजाइन किए करेंगे, आपके बोर्ड आपके सेमेस्टर में ये पेपर में आएगा, और इसको ऐसे ही आपको बनाना होगा, और आप जाएंगे ड्राइंग वाले के दिन, और जब आपको टीचर बताएगा समझाएगा तो आपको पहले से जानते हैं कि टाइटल बॉक्स किस तरीके का बनाना है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे आशा करते हैं मेरे बच्चे सारी चीजें बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे, इसको बनाना कैसे है, किस तरीके से अप्लाई करना है, इसे क्या कहते हैं हमारा, ये हमारा क्या है टाइटल बॉक्स, टाइटल ब्लॉक कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए, क्लियर है बच्चों, चला जाए नेक्स्ट, जिसका इंतजार कर रहे बच्चों को, चलिए बाय कर रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं हो लिया होगा प्लीज ले लीजिए, चलिए ये है भैया, ये तो दिख रहा होगा मेरे बच्चों को, ये दिख रहा है,
रहा होगा, ये आपके बुक में है, ये हमारा टाइटल बॉक्स है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा। अब हम जो दिखाते हैं कि जो कंपनी में यूज किया जाता है ड्राइंग, ठीक है, जो भी आपको बताया उसी तरीके का है, ठीक है। तो बेगर घबराए, बेगर समझाए, बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहिए। और उसमें देखिए लिखा क्या क्या जाता है, उसमें जो भी आप लिखेंगे क्या क्या लिखे रहेंगे ड्राइंग शीट में, ड्राइंग उसमें संस्था का नाम लिखा रहेगा, नेमिंग स्केल लिखा रहेगा, प्रोजेक्शन सिंबल लिखा रहेगा, किस सिंबल में दर्शाया गया है, उसको सारी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। मतलब ड्राइंग पे क्या क्या लिखा रहा जाता है, क्या क्या प्रदर्शित रहती है वही बता रहा है, टाइटल ऑफ ड्राइंग रहेगा, किस नाम से किस जगह पर बनाया जा रहा है सब दिखाएंगे अभी आपको, डिजाइनर का नाम लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, जाकर दवा के नाम उसमें साइन करके नाम, अभी तो इंजीनियर आएगा चेक करेगा तो उसपे तभी ना कहेगा कि सारी चीज होता है, तो क्या करेगा उसमें साइन करेगा और उसपे डेट लिखेगा, ठीक है। हाँ, ये वो डायग्राम है। तो तैयार हो जाइए, आपके सामने पेश है, हमने बी एंड आर कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बी एंड आर कंपनी, ठीक है, जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, भारत में है, राजस्थान में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसी कंपनी के एक ड्राइंग के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। क्या हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो राइट था या रॉन्ग था, और आशा भी करते हैं जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीजें आप आसानी से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। चलिए बच्चों, बिना देर किए आप लोग के सामने लाते हैं, ये हमारा वो ड्राइंग है, ये वो ड्राइंग है मेरे बच्चों। अब इसे देखना कैसे है, अभी हम पहले आपको टाइटल बॉक्स दिखाते हैं। तो टाइटल बॉक्स दिखाने से पहले हम आपको 5 mm का जो छोड़ा जाता है ना मेरे बच्चों, वो दिखाना चाहते हैं 5 mm का। ये देखिए, अब दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है कि नहीं है, ये लाइन छोटी सी। चलिए पहले हम आप लोग को टाइटल बॉक्स दिखा दें, टाइटल बॉक्स दिखा देते हैं। ये रहा हमारा टाइटल बॉक्स, टाइटल बॉक्स रहा। अब हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन लगभग देखिए हमने ये नीचे बना था राइट साइड में 5 बनाया था, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो हमारा पूरा आ जाता है, ये हमारा किसमें आ जाएगा, ड्राइंग में। ये ड्राइंग नंबर लिखा गया है, देखो स्केल आधार पर लिखा गया ड्राइंग नंबर। ये जो हमारा लिखा है ना BR6102 7 HR RLP